हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक होएगा हॉट टॉपिक, बेस्ट कोलकाताज नाइट क्लब्स। यस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कोलकाता के ऐसे सुपर क्लब्स जिनके बारे में आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। जैसे कि मैंने यूट्यूब से बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ उठा के देखी, उनमें भैया कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी अच्छे से किसी ने भी नहीं बता रखा। बहुत पुरानी वीडियोस है या फिर पुराने क्लब्स के बारे में बताया गया है जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली कोलकाता के बेस्ट नाइट क्लब्स, और जो कि एक एक क्लब मैंने खुद जाके एक्सप्लोर किया है, बिकॉज आई एम ए नाइट पार्टी पर्सन। सो यस, इस चीज़ के बारे में मेरे से बेटर आपको कोई और बता ही नहीं सकता। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लब कितने बताओ, पहले तो ये बताओ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अभी कुछ ही बताती हूँ। पहले वो विजिट करके आए, उसके बाद मैं नेक्स्ट अपनी लिस्ट रेडी रखूंगी, या फिर अभी भी रेडी ही है, लेकिन अभी मैं कुछ क्लब्स से शुरू करती हूँ जो कि बहुत ही न्यू है। एंड आपका माइंड तो भैया उधर जाके तृप्ति हो जाएगा, आई होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो द फर्स्ट क्लब इज रूट्स। मैं आपको इसमें मेरी पिक्चर्स भी दिखाती हूँ साथ में, आपको पता चले कि हाँ मैं जाके एक एक एक्सप्लोर करके आई हूँ और आपको बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, राइट? सो यस, फर्स्ट नाइट क्लब इज रूट्स, जो कि रात को 2 बजे तक खुला रहता है। फ्राइडे सैटरडे संडे बेस्ट रहता है ये। ऑब्वियसली सारे क्लब्स वैसे ही नहीं 3 दिनों यू नो क्राउडेड रहते हैं, बट इसमें बहुत क्राउड रहता है। ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये ओपन एयर में भी है और अंदर में भी है, ऊपर में भी है, मतलब काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और इसका म्यूजिक तो बवाल है, इसका डीजे बहुत बढ़िया रहता है। इस एम्बियंस वाइज और जो नियर बाई व्यू है, द 42 सामने से दिखता है, एंड विक्टोरिया मेमोरियल भी वहीं है, तो इसका जो रूफ टॉप का व्यू है वो भी एकदम बवाल है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको रूट्स ही जाना चाहिए, और क्राउड के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री के चार्जेस होते हैं। और ये चले हम रूट्स, ये है रूट्स का लोगो, और ये चले रूट्स के अंदर। यू नो द वर्स्ट पार्ट इज़ कि जिस दिन हम गए उससे जस्ट एक दिन पहले यहाँ पे आंद्रे रसल आया हुआ था, हम नहीं मिल पाए, बट इट्स ओके। ये रही मैं नौटंकी करते हुए। और ये है बाहर का व्यू, ये आउटसाइड आ गए हम, और ये बहुत बड़ा है। और रसल आया है, मतलब कुछ तो होएगा ना, तभी आया है, इसलिए मैं बोल रही थी ना, मैं ऐसे वैसे जगह नहीं सजेस्ट करती हूँ। यहाँ का सिटिंग भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे बाहर भी गर्मी नहीं लगेगा। इन लोग ने इतना अच्छा अरेंजमेंट्स कर रखा है ना, बहुत बढ़िया क्लब है। पर यहाँ का फूड जो है ना, वो इतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। नॉर्थ इंडियन नहीं है, बाकी मैक्सिकन इटालियन जिसको पसंद है भैया जिंदाबाद, सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ से जैसे मैंने बताया था विक्टोरिया मेमोरियल वोरा, यहाँ पे अभी लाइटिंग बंद हुआ है, वो सीन मिस हो गया, वो भी बहुत सुंदर लगता है। दी 42 जैसा मैंने बताया था वैसा ही है ये। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे ड्रेसिंग क्लासी होना जरूरी है, ड्रेसिंग मस्ट बी बेस्ट। ओके, लेट्स गो टू द सेकंड क्लब व्हिच इज कौन सा या स्पेस बार एंड किचन। ये बहुत ही न्यू है कोलकाता में, अभी अभी ओपन हुआ है, और ये तोपसिया में है। बाकी मैं आपको सबका प्रॉपर एड्रेस लिंक में नीचे दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी होता है उसमें दे दूंगी। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट स्पेस बार एंड किचन। ये बहुत ही न्यू है, यहाँ पे रशियंस भी आती है, डांस करती है, एंड ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, और इसमें फूड में काफ़ी डिफरेंट वेराइटी है, तो कुछ चीज़ें अच्छी है और कुछ नहीं भी है। और इसमें एक टेडी हुक्का है भाई साहब, बवाल। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी टेडी हुक्का, ओह माय गॉड, बट दिस इज़ फॉर 5,000, तो हमें ये वर्थ नहीं लगा। तो उस दिन मैंने ये तो नहीं लिया, और बाकी मैंने बहुत इन्जॉय किया। अभी ये नया जगह है तो ये क्राउड ला रहा है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है बट बहुत अच्छा है, और ज़्यादा क्राउड नहीं होने की वजह से इसमें एंट्री चार्जेस भी नहीं है। और ये पहुँच गए हम स्पेस बार इन किचन, मस्त था ना इसका लाइटिंग। ये रही रशियन डांस करते हुए। यहाँ पे एंट्री चार्जेस एकदम फ्री है बिकॉज ये न्यू है, एंड आई थिंक 2,000 फॉर 2 पर्सन में हो जाएगा। यहाँ का जो विमेंस का वॉशरूम है ना, वो बवाल है, मैं तो कहती हूँ उसके चक्कर में ही चले जाओ इधर, बहुत सुंदर, पूरा गोल्डन, यू नो व्हाट, गोल्डन कमोड, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा इतना सुंदर वॉशरूम, माई गॉड, फैन ही हो गई मैं तो। और अब ये
रहा टेडी हुक्का, जिसके बारे में मैंने बताया था, मस्त दिखता है पर है तो हुक्का ही, तो मुझे ये 5000 के लिए वर्थ नहीं लगा। एक बार फिर से दिखा देती हूँ टेडी हुक्का, दिखने में बड़ा सुंदर है, क्यूट सा। और ये क्लब रात को 1 बजे तक ओपन रहता है। ओके सो नाउ लेट्स गो टू द क्लब नंबर 3 व्हिच इज ड्रंकन टेडी। ये भी एकदम न्यू क्लब है और इसके फर्स्ट डे के ओपनिंग पे ही हम लोग गए थे। अब सोचते होंगे मैं ऐसे कैसे पहुंच जाती हूँ हर दिन, है ना। हम ऐसे ही है भैया, पार्टी कहीं भी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, हम पहुंच जाते हैं। सो या थर्ड वन इज ड्रंकन टेडी, बहुत अच्छा है ये भी, बहुत बड़ा है, ओपन में भी है और अंदर में भी है। अंदर वाला ज़्यादा बढ़िया है, इसका बार काउंटर इतना कुछ खास नहीं है पर इसका एम्बियंस बहुत बढ़िया है। जिस दिन हम गए थे उस दिन इसमें लाइव म्यूजिक था एंड विच वॉज बवाल, बहुत बढ़िया था। और इसका खाना भी सही है, हुक्का भी सही है, बाकी सब मेन्यू भी सही है, डांस के लिए बेस्ट है, बड़ा सा है तो यू कैन डांस ओवर देयर। एंड जो टेडी का जो थीम है ना वो बहुत बढ़िया है, उसमें ऊपर जो स्क्रीन होती है उसमें टेडी डांस करता है, मस्त लगता है भैया। और ये एकदम पार्टी होलिक जगह है, सो ये तो ज़रूर ट्राई करना। और ये चले हम ड्रंकन टेडी, एज यू कैन सी बहुत बड़ा है ये, मेरी फेवरेट एनिमेशन है आज तक की। ये टेडी इतने क्यूट लगते हैं ना, वाओ। ये भी रात को 2 बजे तक खुला रहता है और जिस दिन हम गए थे उस दिन हमारा एंट्री फ्री था, मे बी बिकॉज वो ओपनिंग डे था। शायद अब चार्जेस हो गए हैं इसमें, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस। टेरेस वाला जगह छोटा सा है पर वो भी अच्छा सा बना हुआ है, क्यूट सा। ये मैं पूरा वीडियो में दिखा देती हूँ, लेकिन इतना गर्मी में मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, प्लस इतना अच्छा लाइव म्यूजिक है अंदर। सो या नाउ लेट्स कम टू नंबर 4। नंबर 4 मुझे ऐसा कुछ बताना चाहिए जो लेट नाइट जो पार्टी करते हैं उनके लिए ज़्यादा बढ़िया हो, या तो मैं अभी 4 नंबर पे कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो सुबह 5 बजे तक ओपन रहता है। यस यू हियर्ड इट राइट, एंड द क्लब्स नेम इज मकाटी। ये भी पार्क स्ट्रीट में है एंड यहाँ पे अलग से डांस फ्लोर बना हुआ है। कोलकाता में बहुत कम ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पे अलग से डांस फ्लोर बना हुआ है और ये भी काफ़ी बड़ा है। और इसमें इसका एक है ये है स्पेशल बात कि इसमें क्राउड रात को 1 बजे के बाद आता है, तो प्लीज़ अगर आपको इसमें जाना हो तो रात को 1 बजे के बाद ही जाइए। मतलब लोग पहले कहीं और पार्टी करके आते हैं एंड आफ्टर दैट वहाँ पे पार्टी करने जाते हैं, बिकॉज ये 5 AM तक ओपन रहता है। सो ये भी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये रहा मकाटी का डांस फ्लोर। हमारा गलती हो गया था, हम उस दिन जल्दी चले गए थे तो क्राउड नहीं था, और जैसे ही हम निकलने लगे इतना सारा क्राउड। ये हमारा हुक्का, और यहाँ पे लेज़र हुक्का भी मिलता है, वो भी मस्त है। इसका फूड भी अच्छा है और यहाँ का बेस्ट चीज़ है कि लोग यहाँ पे आफ्टर पार्टी करने आते हैं, बिकॉज़ ये 5 AM तक ओपन रहता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आफ्टर 1 क्राउड स्टार्ट होता है। और यहाँ पे 2 जन का अप्रॉक्सीमेटली 2500 बिल में हो जाता है। ये है मेरे 4 बेस्ट क्लब्स, इसके अलावा फेनिशिया, रिफाइनरी और वफीरा भी आप ट्राई कर सकते हैं, मैं सबके एड्रेसेस दे दूंगी। और प्लीज़ जाके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी दी हुई जगह, बताई हुई, सजेस्ट करी हुई जगह कैसी लगी और मेरा वीडियो कैसे लगा, कितना यूज़फुल लगा। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।